तो गाइज हमारे ट्रैवल चीफ रोमन है WWE को छोड़कर जाने वाले हैं हॉलीवुड में, क्यों इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। और एक फॉर्मर WWE सुपरस्टार ने भी अपना WWE रिटर्न टीज कर दिया है और भी काफी सारी अपडेट है इस वीडियो में जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत एक अच्छी अपडेट के साथ शुरू कर लेते हैं जो साशा बैंक्स और नियोमी से जुड़ी है। रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रेन अल्फा रेस के साशा बैंक्स एंड नियोमी WWE में अपना वापसी करने के लिए मान गई है, इसीलिए अब देखना यह होगा कि हमें साशा बैंक्स एंड नियोमी अपना WWE में रिटर्न करते हुए कब दिखाई देगी। और अब बात कर लेते हैं बेकी लिंच के बारे में। WWE ने आज कंट्रोल सेक्शन के द्वारा बेकी लिंच पर हुए अटैक के बाद सोशल मीडिया में यह ऑफिशियल यह अनाउंस किया है कि बेकी लिंच को शोल्डर इंजरी हुई है और उनको ठीक होने में काफी महीने लग सकते हैं, इसीलिए बेकी लिंच अब कुछ महीनों के लिए WWE से बाहर हो गई है, जो कि एक बहुत बुरी खबर है बेकी लिंच के फैंस के लिए। हम सभी की ओर से बेकी लिंच को बेस्ट विशेष उनकी रिकवरी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं रोंडा रोजी के बारे में। रोंडा रोजी को भी WWE ने सस्पेंड कर दिया है क्योंकि उन्होंने समर स्लैम में WWE के ऑफिशियल पर अटैक किया था और उसके कारण उन्हें फाइन भी देनी पड़ी। अब बात कर लेते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार किलर क्रॉस के बारे में। रिसेंटली किलर क्रॉस ने अपने WWE रिटर्न को टीज किया है। अब से कुछ घंटे पहले किलर क्रॉस ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने टाइम वाला इमोजी यूज किया है, जिससे किलर क्रॉस अपने फैंस को WWE रिटर्न के बारे में इंडिकेट किया है। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं ट्रैवल चीफ रोमन रेंस के बारे में। रिसेंटली आई एक रिपोर्ट के अनुसार यह रोमन रेंस का WWE में उनकी करियर का लास्ट रन हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंस द रॉक से रसलमिया 39 में मैच लड़ने के बाद WWE को छोड़कर हॉलीवुड में जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा वो आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।